फ्रंट फुट देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं चरणजीत कौर। जलंधर जिमनी चोण का अखाड़ा पक गया क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिता है। सुशील कुमार रिंकू जो 5 अप्रैल की सवेर तक कांग्रेस ही सन, शाम को आम आदमी पार्टी शामिल हुए तो फिर अगले ही दिन यानी कि 6 अप्रैल उन्होंने आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार ऐलान दिता। दल बदल की सियासत से विरोधियों ने सवाल भी खड़े किए ने। तुम दस दें कि आखिर इस सीट का इतिहास की है, हूँ तक इस पर किसका कब्जा रहा है, तो इस बार के समीकरण की कहते हैं। कोई कहता असी यदि बी टीम और ए टीम, असी पब्लिक की टीम आ, जनता की टीम आ। असी सर्वे भी करवा रहे हैं, सर्वे दे विच जिन्हों लोग कहेंगे असी उदा नाम अनाउंस कर देंगे। रातों रात सर्वे मुकम्मल हो गया ते आम आदमी पार्टी ने अगले ही दिन उस शख्स नु अपना उम्मीदवार ऐलान दिता जो अजे 24 घंटे पहला ही कांग्रेस छड़ के आम आदमी पार्टी शामिल होया। 5 अप्रैल कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी चाहे सुशील कुमार रिंकू ते आम आदमी पार्टी ने दा खेडन च बिल्कुल देर नहीं लाई। सुशील कुमार रिंकू नु जलंधर जिमनी चोण लई उम्मीदवार ऐलान दिता। जलंधर लोकसभा सीट तो जिमनी चोण हुण कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी दे होए सुशील कुमार रिंकू लड़नगे। 5 अप्रैल जलंधर पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान अते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिंकू नु पार्टी च शामिल करवाया सी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करदिआं लिखिआ, जलंधर लोकसभा जिमनी चोण लई आम आदमी पार्टी वल्लों सुशील कुमार रिंकू जी दी उम्मीदवारी ते मोहर, बहुत बहुत शुभकामनावां। नवे नवे आम आदमी पार्टी दे होए सुशील कुमार रिंकू भावें लंघे साल आम आदमी पार्टी दे शीतल अंगरवाल तो हार गए सन, पर हुण झाड़ू फड़न बाद जित दा दम भरन च उन्हां ने भी देर नहीं लाई। किसी भी पार्टी नूं घट नहीं मिथना चाहिए, क्योंकि अगर असी किसी नूं घट मिथांगे तां असी मेहनत जिहड़ी है ओह नहीं करांगे। सानू जिहड़ा जोर दे नाल मेहनत करनी पवेगी, सारे साथियों नूं पूरे जोर दे नाल मेहनत करनी पवेगी, और लोग है जिहड़ा इहदा फतवा जिहड़ा 10 तरीक नूं देंगे। बदलाव जिहड़ा है ओह मिंटां दे विच आ जांदा, उहदे लई कोई समय की जरूरत नहीं हुंदी। बदलाव नूं आंदे टाइम नहीं लगता। 2022 दे विच भी बदलाव है, कुछ दिनों दे विच ही आया सी। तो ये जिहड़ा बदलाव है आम आदमी पार्टी दे विच शामिल होण तो कुछ घंटे पहला कांग्रेस ने रिंकू नूं पार्टी चो बाहर कढ दिता सी। सुशील कुमार नूं दोपहर वेले कांग्रेस ने पार्टी चो बाहर कढ़िया ते शाम नूं ओह आम आदमी पार्टी च शामिल हो गए। हुण आम आदमी पार्टी ने रिंकू नूं जलंधर लोकसभा सीट तो उम्मीदवार बनाया। सुशील कुमार रिंकू जलंधर पछमी तो साबका विधायक रहे ने। 2017 च कांग्रेस दी टिकट तो चोण लड़े सन अते 17,334 वोटां दे नाल जित दर्ज कीती सी। रिंकू ने बीजेपी दे महेंद्रपाल भगत नूं हराया सी। 2022 च फिर कांग्रेस तो टिकट मिली पर विधानसभा चोणां ओह हार गए। आम आदमी पार्टी दे शीतल अंगुराल ने उन्हां नूं मात दित्ती सी। दल बदलू सुशील कुमार रिंकू तो हुण आम आदमी पार्टी भी काफी उम्मीदां ला के बैठी है। सुशील कुमार जी नूं पार्टी ने ज्वाइन कराया, बड़ा लंबा राजनीतिक उस परिवार का कैरियर भी है। उन्हां दे परिवार दे विच काउंसलर रहे, अप काउंसलर रहे, MLA बने उत्थों, और क्योंकि तजर्बेकार आदमी उहदा डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि लोकली MLA उत्थों जलंधर शहर तो भी सीगे ते उहदा भी बहुत फायदा हो जा रहा। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस दे उस किले च सन लाउण दी कोशिश कीती जिथों ओह साल 1999 तो जितदे आ रहे ने। इस लई कांग्रेस सने सारियां विरोधी धिरां ने हुण इस दल बदल दी सियासत ते पलटवार कीता है। लोकां नूं इह सोचदे ने कि जिद्दां मर्जी भरमा सकदे आ। मैनूं दसो किहड़ा ऐसा जादू दी छड़ी है कि 5 बजे बंदा ज्वाइन कराया, मैनूं तां लगदा छड़त पहलां ही रखोई दी सी ते उहनूं उहनां ने उह जिहड़ा इक फॉर्मैलिटी हुंदी ना कि हुणे हुणे ज्वाइन कराया ते हुणे क्यों घोषणा करनी है, ते उह सवेरे घोषणा करती। बाकी तां तुहाडे सामणे आ कि इलैक्शन अनाउंस होई है ते हुण लब लब के कैंडीडेट ज्वाइन कराए जा रहे। अज रूलिंग पार्टी जिहड़ी पंजाब दी है उहदा वी तुसीं हाल देख लिया कि साल तों वध समां हो गया ते अज कैंडीडेट कांग्रेस दे विचों शामिल करा के ते उहनूं बणाया जा रहा। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BJP ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਏ। ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਰਹੂਮ MP ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਥਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 13 ਤੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਿੰਗ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਦਲਬਦਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁੰਬਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਸੀਪੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜੋ ਦਾ ਜੋ ਨਿਰਣੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, बीएसपी अते बीजेपी पंजाब दी सारियां सियासी धिरां जलंधर लोकसभा सीट ते जिमनी चोण लई मैदान च ने, जिथे आम आदमी पार्टी लई 1 साल दे कार्यकाल बाद इम्तिहान दी घड़ी है, तो उधर कांग्रेस लई भी वड्डी चुनौती है क्योंकि साख दाते लगी है, क्योंकि जलंधर लोकसभा सीट नूं बचाए रखण लई साख दाते लगी हुई है। इस तों इलावा श्रोमणी अकाली दल, बीएसपी गठजोड़ अते बीजेपी इस चोन दे जरिए खुद नूं साबित करन दी कोशिश च होणगे। खास करके अहम कांग्रेस लई है क्योंकि जलंधर लोकसभा सीट ते कांग्रेस 1999 तों काबज है। हालांकि हुण स्थिति बदल चुकी है। पंजाब विधानसभा चोणां दे विच 92 सीटां जित्तण दे बाद आम आदमी पार्टी दी सत्ता है। हालांकि जलंधर लोकसभा खेतर चोंदे 9 विधानसभा हलकियां दे विचों कांग्रेस 5 ते काबज है, जबकि 4 विधानसभा हलके आम आदमी पार्टी कोल ने। नतीजा मुकाबला बराबर दा लग रहा है। कांग्रेस लई बेहद अहम है कि अपना दबदबा बनाई रखे। कांग्रेस दे मौजूदा हालातां दे मद्देनजर ए पार्टी लई किसे चुनौती तो घट नहीं रहण वाला। जलंधर तो कांग्रेस दे एमपी संतोख सिंह चौधरी दे देहांत कारण जिमनी चोण होण जा रही है। संतोख सिंह चौधरी 2014 तो लगातार एमपी सन। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ 2019 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ 385,712 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ 366,221 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ 19,491 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। साल 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2009, 4 ਤੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਸੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਖੈਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਦਫਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ऑपरेशन अमृतपाल दौरान नौजवानों खिलाफ हुई कार्रवाई से जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने सवाल खड़े किए सन। पंजाब सरकार नु चेतावनी भी दिती सी, सिख कौम नु निशाना बनाने लई झूठा बिरतांत सिरजन का इल्जाम भी लाया सी। इसे बाबत चर्चा दे लई 7 अप्रैल नु तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साबो विखे विशेष एकत्रता बुलाई गई है, पर सरबत खालसे बारे अजे तक कोई जानकारी अकाल तख्त साहब दे वल्लों नहीं दिती गई है। सिख बुद्धिजीवियों का मनना है कि सरबत खालसा की अपनी एक माण मर्यादा है, बेशक पंजाब के मौजूदा हालातों की गल की जाए जा पंथक मसलों का हल केवल विचार चर्चा करके ही हल हो सकता है, पर इस दे विच वड्डी शर्त यह है कि इन्हां विचारां दे विच लाभ निजी ना होवे। ऑपरेशन अमृतपाल के दौरान ही पहला श्री अकाल तख्त साहब से इकट्ठ होया अते हुण तक श्री दमदमा साहब से इकत्रता सदी गई है। हालांकि मान दे मंत्री ने इस मसले ते जथेदार नु खास अपील कीती है। सारियां जिन्नियां भी धार्मिक जथेबंदियां हैगियां SGPC और खास तौर ते अकाल तख्त साहब दे जिन्ने भी उत्थे मेरे बहुत रिस्पेक्टेड जिन्ने भी जथेवार साहब आ, उन्होंने अपील करदा पंजाब दे विच बड़ी इस वेले हालात अच्छे है, शांतिमय है, और उन्होंने चाहिदा भी ये जिहड़ी पंजाब दी जिहड़ी खुशहाली वापस आ रही है इहनू किसे दी द्वारा नज़र ना लगे, इस हिसाब के ना सोच के कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, और मन लगता कि वो इतने उन्होंने जरूर फोकस होगा। अमृतपाल सिंह ने 29 और 30 मार्च में दो वीडियोज जारी कीतियां सन जिस से उसने सरबत खालसा बुलाने की मांग की सी। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਡਟ ਕੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹੀਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ। ਜਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਫਿਰ ਛੱਡੇ ਵੀ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। हालांकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अमृतपाल के साथियों नूं लेके दायर कीती हुई हैबियस कॉर्पस पिटीशन ते वकील नूं फटकार लाई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो सरकार ने कह दिता है कि अमृतपाल सिंह के साथियों ते NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया है तो हैबियस कॉर्पस पिटीशन क्यों पाई गई है। इस मामले च हुण तमाम हैबियस कॉर्पस मामलों नूं इकट्ठे करके 11 अप्रैल नूं सुनवाई होवेगी। हालांकि ऑपरेशन अमृतपाल दे नाकाम होण अते इस तहत कीतियां कारवाइयां ते अकाली दल ने मान सरकार नूं घेरिया है। जिन्नी देर तक सरकार करदी रहेगी ना ड्रामियां दे विचों कदी कुछ नहीं निकलता। जे इन्हां ने अरेस्ट करना हुंदा ते पहले दिन ही बड़े आराम नाल घरे अरेस्ट कीता जा सकदा। अरेस्ट करन दा किसे दा मकसद नहीं है, पंजाब नूं बदनाम करन दा, नौजवानां दे खिलाफ तशद्दुद करन दा इह सरकार दा मकसद है कि वड्डे वड्डे असी ऐलान करके किसी NSA दे विच बंद करके पोलराइजेशन जिहड़ी वोटां दी ध्यान उस पासे। जे सिर्फ इन्ना मकसद हुंदा फड़ना सी तो उदों पहले दिन ही फड़े जा सकदे सी, उकड़ा पकौड़ा सी। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਹੋਈ, NSA ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬ ਫਜ਼ੀਹਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਘਿਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਹਤਿਆਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, 111 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।
करोना होया जानलेवा सावधानी दा वेला अजिहा इसलिए क्योंकि मुल्क च दो दिन दे अंदर ही कोरोना केसां च वड्डा उछाल आया इसलिए सरकार ने सावधानी वरतन दी सलाह दित्ती है एहतियातन मास्क पाउण दी नसीहत है पहला तुहानूं पंजाब दे लंघे पंज दिनां दे कोरोना आंकड़े दस दिंदे आं 2 अप्रैल नूं पंजाब च 24 घंटियां दे अंदर 66 नवें कोरोना केस आए सन हालांकि जानी नुकसान तो बचा रहा सी 3 अप्रैल नूं 38 नवें केस आए ते 2 लोकां दी मौत हो गई 4 अप्रैल नूं 73 नवें केस आए जदों कि जानी नुकसान तो बचा रहा 5 अप्रैल नूं 24 घंटे दे अंदर 100 नवें कोरोना केस आए ते 1 शख्स दी मौत हो गई 24 घंटियां दे अंदर यानी कि 6 अप्रैल नूं पंजाब च 111 कोरोना केस आए अते 1 शख्स दी मौत हुई मोगा दे विच कोरोना करके 1 शख्स ने दम तोड़िया इन आंकड़े नूं देख के घबराउण दी लोड़ नहीं है पर जरूरत है कि एहतियात वरत्या जाए क्योंकि कोरोना हुण तेजी नाल वधण लग्या पंजाब च ना सिर्फ एक्टिव केस वधे ने सगो पॉजिटिविटी दर दे विच भी इजाफा हो गया मौजूदा वेले च पंजाब च कोरोना एक्टिव केस 400 तो पार हो गए ने ते पंजाब दे विच कोरोना पॉजिटिविटी दर भी 4% तो वध है 1 अप्रैल 2022 तो लैके हुण तक पंजाब दे विच कोरोना करके मौतां दा आंकड़ा 218 हो गया है देश दे विच भी कोरोना केसां च लगातार वाधा हो रहा है सेहत मंत्रालय दे आंकड़ियां दे मुताबिक 3 अप्रैल नूं 24 घंटियां दे अंदर देश च 3641 केस आए सन 11 लोकां दी जान गई सी 4 अप्रैल नूं 24 घंटियां दे अंदर 3038 केस आए जदों कि 9 लोकां ने जान गवाई 5 अप्रैल नूं इह आंकड़ा वध्या ते 24 घंटियां दे अंदर 4435 कोरोना केस आए 15 लोकां दी मौत हो गई 6 अप्रैल नूं 5335 केस आए ते 6 लोकां दी जान चली गई भारत विच कोरोना दे मामलों च आया है अचानक उछाल लोगों नूं एक बार मुड़ तो डराउण लग्या दरअसल कोरोना इन्फेक्शन दे मामलों दे नाल नाल हुण मौतां दा वाधा आंकड़ा परेशान करन वाला है सेहत मंत्रालय दे वल्लों जारी कीते गए 6 अप्रैल दे आंकड़ियां मुताबिक चिंता दीआं लकीरां वध रहीआं ने सरकारी आंकड़े दे मुताबिक 24 घंटियां दे अंदर 5335 नवे केस आए ने यह आंकड़ा लंघे 6 महीनियां च सब तो वध है देश च मंगलवार नूं मिले 5335 नवे केसां दे विचों 3730 केस सिर्फ 5 सूबियां च आए ने इन्हां दे विच केरल सब तो अग्गे है इत्थे करीब 2000 नवे केस मिले ने इस दे बाद महाराष्ट्र इत्थे 569 केस आए ने दिल्ली दे विच 24 घंटियां दे अंदर 509 केस आए जदों कि हिमाचल प्रदेश दे विच 24 घंटियां दे अंदर 399 केस आए ने अते गुजरात च 351 कोरोना दे ताज़ा आंकड़ों दे हिसाब दे नाल हुण देश दे कुल एक्टिव मामलों दी गिनती 25,500 तो पार हो गई है कोरोना दे नित आने वाले केसां च वी इजाफा हो रहा है फिलहाल पॉजिटिविटी दर 3.32% है मार्च दे 31 दिनां दे विच कोरोना दे 31,902 केस आए सन इस दे मुकाबले अप्रैल दे 5 दिनां दे अंदर ही 20,273 नवे केस आ गए ने इह मार्च दे कुल नवे केसां दा 63.5% है बेमौसमी मीह करके पंजाब दे विच जिन्हां किसानां दी फसल खराब हुई है उन्हां नूं विसाखी तक मुआवजा दे दिता जाएगा यह भरोसा तो वार वार मान सरकार दवाई रही है हुण जानकारी यह दी गई है कि 60% गिरदावरी करवा ली गई है डिप्टी कमिश्नर दे खात्यां तक पैसे भेजे गए ने तां जो किसानां नूं फौरी राहत मिल सके गिरदावरी दे विच तकरीबन 60% दे करीब असीं काम पूरा कर लिया 50-50 लाख रुपया हरेक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दे डिप्टी कमिश्नर दे खाते च स्पेशली पाया मान दे मंत्री ये जो वादा कर रहे ने जेकर वफा होएगा तां किसानां नूं मिले आर्थिक जख्मां ते थोड़ी मलम जरूर लगेगी कुदरत दी मार चल रहे किसानां नूं राहत किवें दित्ती जाए इस बाबत मुख्यमंत्री ने माल अते खेतीबाड़ी विभाग दी मीटिंग बुलाई सी पर यह मीटिंग रुझेव्या करके रद्द करनी पई पर मुख्यमंत्री की थान से मंत्री ने जानकारी दिती है कि मीह ते चखड़ करके खराब हुई फसल का मुआवजा किसानों नूं फौरी तौर पर दिता जाएगा क्योंकि गिरदावरी का 60% काम मुकम्मल हो चुका है डिप्टी कमिश्नर नूं टीचा दिता गया भी 13 तो 14 तरीक तक आपां उन्हां नूं जिहड़ा राहत देने की कोशिश करनी है और मैं कह सकदा इस गिरदावरी दे विच तकरीबन 60% के करीब असी काम पूरा कर लिया क्योंकि मुख्यमंत्री जी भगवंत मान जी आप इस चीज़ की निगरानी मोनीटर कर रहे हैं साढ़े बह के साढ़े को रिपोर्ट लै रहे हैं डिप्टी कमिश्नर को लै रहे हैं FCR साहब हर वेल अटैच होकर रिपोर्ट दे रहे हैं और उन्होंने विशेष कि किसी एमरजेंसी किसी डिप्टी कमिश्नर अगर कोई राहत राशि जारी करनी पैंती है
उन्होंने तकरीबन 50-50 लाख रुपया हरेक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के डिप्टी कमिश्नर के खाते च स्पैशली पाया। बेमौसमी बारिश तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों नूं मुआवजे की रकम का ऐलान किया। दावा है कि 15 अप्रैल तक किसानों के खातों च मुआवजा पहुंच जाएगा। अजिहा मुख्यमंत्री कई दफा दोहरा चुके ने। होर नहीं कुछ कर सकते तो सरकारां कोले आपदा प्रबंधन लई पैसे हुंदे ने, उहदे च कदे कोई घाट नहीं हुंदी फंडां च। असीं 15,000 रुपया एक एकड़ का असीं गुरदौरियां चल रही ने। 14 तरीक नूं विसाखी है, हालांकि जिहड़ी विसाखी है वह हाड़ी की फसल पक्कण की खुशी च हुंदी है, पर साडे नाल कुदरत ने थोड़ा जिहा उल्टा कीता है कि साडी हाड़ी की फसल खराब हो गई। इस बार असीं खुशी तो नहीं मना सकते, पर इन्ना कह के जख्मां ते मलम जरूर लग सकती है। मैं 14 अप्रैल नूं हज़ारां किसानां दे खात्यां दे विच 15,000 रुपये पावांगे भी, ते चैक भी उन्हां नूं फड़ा के आवांगे। थोड़ा बहुत मलम ला देंगे, गौरमेंटां दा फर्ज बनता है, ते नाल नाल उन्हां दीआं बैंक दीआं लिमिटां दीआं किश्तां भी फ्रीज करतीआं ताकि उन्हां नूं कोई फिक्र ना रहे। मुख्यमंत्री जिस मुआवजे वाली मलम की गल कर रहे ने, वो किसानां नूं नाकाफी लग रही है, क्योंकि किसानां दा दावा है कि 15,000 तो वध खर्च ता एक एकड़ कणक बीजण ते सांभण ते आ जांदा है, इसलिए मुआवजा घट है। लंघे 2 हफ्तियां च पंजाब च रुक रुक के पए मीह ते चखण करके कणक की फसल खेतां च विच गई है, इस करके 50% तो वध फसल खराब होण दा अनुमान है। इस बार किसानां नूं बंपर फसल की उम्मीद सी, पर कुदरत दे कहर ने सब तहस नहस कर दिता। ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤੀ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ।